तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजूस बड़ौदा T20 चैलेंज टूर्नामेंट है उसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 18वां मैच जो कि खेला जाएगा ग्लैडिएटर्स वर्सेज यहाँ पर भाई अगर ग्लैडिएटर्स वर्सेज टेलियंस के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एक डेमो टीम भी देने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई जो भी फाइनल टीम होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्योंकि जो फैंटेसी में पहले से मतलब खेल रहा है उन्हें पता होगा भाई टॉस के बाद ही सारी अपडेट दी जाती है और टॉस के बाद ही आपको फाइनल टीम में दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो टीम दूंगा उसमें क्या पता एक दो प्लेयर ना ही खेले तब फिर भाई फायदा क्या होगा। तो यह सिर्फ एक डेमो टीम होगी। इस टीम के साथ आप जीएल मिनी जीएल में अगर सीवीसी रिवर्स करके जाओगे मतलब इंटरचेंज करके जाओगे तो भाई इजिली आप मतलब काफी अच्छी रैंक यहां से हासिल कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देख लेना और जो भी भाई वीडियो देख रहे हो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने में ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है ना ही भाई आपके पैसे लगते हैं, बट आपके भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के इतने प्यार से। तो अगर आप चाहो तो भाई प्यारा सा कोई कमेंट भी कर सकते हो, बट यार लाइक जरूर कर देना। लाइक में आपका ना तो एक सेकंड का भी टाइम जाएगा, आप वीडियो देखते देखते ही लाइक कर दोगे। और जो भी भाई पहली बार चैनल पर आए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले अगेन याद दिला दूं भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके अभी की अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो फुल एंड फाइनल अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। यहां पर बात करें ग्लैडिएटर्स वर्सेस टेलियंस की, तो यहां पर आप देख सकते हो 14 जनवरी यानी कि आज मैच खेला जाएगा दोपहर में 1 बजे। वेन्यू भाई सेम रहने वाला है एलएमबी ग्राउंड वडोदरा का। इसके अलावा भाई बात करें अगर इस सीजन में वेन्यू रिकॉर्ड्स की, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहां पर 10 मैच जीते, 16 मैच में से 6 मैच भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते, तो यहां पर भाई काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का। पिच की बात करें तो भाई न्यूट्रल विकेट है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प यहां पर मिल जाती है। वहीं अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहां पर 140 से 160 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल अभी की अभी वीडियो को पॉज करके पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में अगर आपने मान लो वीडियो देख ली और फिर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई आपकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रह जाएगी और आधी अधूरी जानकारी आपको पता है भाई मतलब अज्ञानी से भी ज्यादा मतलब नुकसानदायक होती है आधी आधा ज्ञान। तो ये चीज आप थोड़ी समझो और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेलियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस भाई प्लेयर्स के स्टेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोहित ठाकुर की बात करें तो 11 मैच में 16 विकेट निकाले, यश रमी की बात करें तो 34 मैच में 1150 रन और एक विकेट भी है, हिमेश पटेल की बात करें तो 58 मैच में 745 यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 800 रन के आसपास बना चुका है, 700 मान लो राउंड फिगर में, और 7 विकेट भी निकाले। इसके अलावा मलव पटेल की बात करें तो आप देख सकते हो 117 रन है प्लस भाई 3000 रन है और उसके अलावा भाई 14 विकेट भी निकाल रखे, तो जीएल मिनी जीएल के लिए एक बेहतरीन कैप्टन ऑप्शन आपके लिए मलव पटेल होने वाला है। रोहन पटेल भी आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो 15 मैच में भाई 300 रन बना चुका है प्लस 5 विकेट भी निकाले हुए। श्याम तांडल की बात करें तो भाई 28 मैच में ऑलमोस्ट 800 रन और भाई यहाँ पर 13 विकेट निकाले। हर्ष कतरमल की बात करें तो इनके स्टेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर आपको इस प्लेयर्स के स्टेट्स मिल जाएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। बात करें अगर राज भरम भट्ट की, तो आप देख सकते हो 124 मैच में ऑलमोस्ट मतलब 2600 रन बना चुका और 96 विकेट भी है, तो एक बेहतरीन प्लेयर आपके लिए रह सकता है। बात करें शहजाद पठान की, तो 2 मैच में भाई 3 विकेट निकाल चुका है, काफी अच्छा इन्फॉर्म गेंदबाज है, ट्राई जरूर कर लेना। चिंटल गांधी की बात करें तो भाई 51 मैच में 63 विकेट 500 प्लस रन भी है, तो एक बेहतरीन पिक आपके लिए यहां से हो जाएगा, आप इसे जरूर से जरूर ट्राई कर लेना। मिलन मिस्त्री की बात करें तो आप यहां से देख सकते हो काफी अच्छा ऑलराउंडर आपको दिख जाएगा, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा साथ ही बॉलिंग भी करेगा, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों जगह सीवीसी ट्राई कर सकते हो। 126 मैच में 176 विकेट निकाल चुका है यानी कि काफी अच्छी स्ट्राइक से बॉलिंग करता है और एक बहुत ही बेहतरीन विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा भाई यहां पर 1700 के आसपास रन भी बना चुका है। वहीं अगर बात करें पर ग्लैडिएटर्स की टीम की, तो आप देख सकते हो यहां पर अमित पासी जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में और काफी अच्छा यहां पर आपके लिए बैट्समैन होने वाला है, 115 मैच में 3000 से ज्यादा रन बना चुका है, तो आप ट्राई कर सकते हो। शुभम जाधव की बात करें तो भाई 8 एंड मिस टाइप प्लेयर है, कभी कभी चलता है तो काफी अच्छा चलेगा, आपको 70-80-90 रन बना के दे देगा, बट फ्लॉप होगा तो भाई 10 से कम भी बना के फ्लॉप हो सकता है, 8 एंड मिस टाइप प्लेयर है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट आपकी टीम में मेरे हिसाब से होना चाहिए। 93 मैच में भाई 3000 से ज्यादा रन बना चुका है, तो मेरे हिसाब से इसकी जगह बनती है। अर्शिल
प्रजापति की बात करें तो एक बेहतरीन विकेट टेकिंग आपके लिए ऑलराउंडर रहेगा, 90 मैच में 120 विकेट निकाल चुका, ट्राई कर लेना। मल्हार गेवारिया की बात करें तो इनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर ले। मनव बेदेकर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 21 मैच में ऑलमोस्ट 1000 रन और 36 विकेट है, मेरे हिसाब से भाई बेहतरीन आपके लिए जीएल ट्रंप साबित हो सकता है, ट्राई जरूर से जरूर कर लेना। किनीत पटेल की बात करें तो भाई 77 मैच में 2000 से ज्यादा रन है, प्लस भाई 43 विकेट भी है, तो ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेगा। भाई अगर बात करें श्लोक देसाई की तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाला है, 112 मैच में 3000 के आसपास रन और 127 विकेट है, यानी कि आपको विकेट भी मतलब बॉलिंग भी अच्छी खासी करके दे देगा, प्लस भाई बैटिंग में भी आपको काफी अच्छा स्कोर करके दे सकता है, तो ट्राई जरूर कर लेना। अभिषेक बारिया की बात करें तो आप देख सकते हो 32 मैच में 370 रन है और भाई यहाँ पर 99 विकेट है, तो आप देख सकते हो इनके बॉलर्स कितनी खतरनाक फॉर्म में मतलब हमेशा ही रहते हैं और भाई काफी ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है भाई, और अगर इनकी टीम पहले बैटिंग भी कर लेती है तो भाई ये काफी अच्छा खासा स्कोर बना देते हैं, और सेकंड इनिंग में मतलब बॉलिंग करते टाइम भाई हिटिंग के चक्कर में इनके मतलब सामने वाली टीम ज्यादा से ज्यादा इनके सामने ऑल आउट हो ही जाती है, और इसीलिए भाई इनके सारे बॉलर्स यहाँ पर इतने ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं। वहीं अगर बात करें अंश पटेल की तो 44 मैच में यहाँ पर आप देख सकते हो 115 विकेट है, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए ये भी रहेगा। 23 मैच में 25 विकेट भाई निकाल चुका है सचिन झा। आप देखिए आप बात करते हैं भाई दोनों टीम्स के एक बार बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, लेकिन भाई मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना कंप्लीट जो इनके मैच खेले गए अब तक वो मतलब वो सारे के सारे एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि जो अभी तक मैच खेले गए हैं अगर आप वो सारे चेकआउट कर लोगे ना तो आप इजिली काफ़ी अच्छी विनिंग कर लोगे जीएल मिनी जीएल में। तो यहाँ से अगर बात करें देखो भाई यहाँ से अगर बात करें ग्लैडिएटर्स वर्सेस स्टैलियंस की तो ऊपर थोड़ा चलेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से भाई ये तो रहा भाई स्टैलियंस का मैच जो काफ़ी मतलब ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, मतलब लगातार ही ऐसी फॉर्म इनकी चल रही है, ऊपर भाई ग्लैडिएटर्स का मैच है तो स्टैलियंस भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक अभी चल रही है, बाकी प्लेयर काफ़ी अच्छे इसके पास बट भाई अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। रोहन पटेल की बात करें तो भाई 24 रन बनाए, रोहित ठाकुर ने 2 रन बनाए, आर्स कटरमन की बात करें तो भाई सिर्फ 6 रन बनाए, भाई काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑलराउंडर साबित हो सकता है, ट्राई जरूर कर लें। जीएल मिनी जीएल में आपके लिए सीबीसी का भी काम कर सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें हिमेश पटेल की तो 7 रन बनाए, मिलान मिस्त्री भाई 0 पर आउट हो गए, यश रामी भाई इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, मलव पटेल भी फ्लॉप हो गए, चिंटल गांधी जो टीम के कैप्टन ये भी फ्लॉप रहे। वहीं अगर बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की तो इन्होंने भाई बॉलिंग काफी अच्छी की थी इस मैच में, यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्च कार्टर मला आपके लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाला, लास्ट मैच में 5 विकेट निकाले हैं तो आपके लिए काफी अच्छा प्लेयर रहेगा, तो इसको आप जरूर से जरूर ट्राई कर लेना। चिंटल गांधी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 4 ओवर में भाई सिर्फ 14 रन दिए और भाई विकेटलेस रहे। इसके अलावा भाई अगर बात करें जेम आयाल की तो भाई 2 विकेट इन्होंने निकाला, शहजाद पठान भाई 4 ओवर में मतलब विकेटलेस रहा। इसके अलावा मिलन मिस्त्री ने 4 ओवर में 13 रन दिए, देखो आप यहाँ से देख सकते हो बॉलिंग भाई काफ़ी खतरनाक करता है, मतलब रन तो देता ही नहीं है साथ ही विकेट भी काफ़ी अच्छे निकाल लेता है, लेकिन इस मैच में सिर्फ 1 ही विकेट मिला है। इसके अलावा आप बात करें अगर ऊपर चल के ग्लैडिएटर्स की टीम की तो ये भाई काफ़ी अच्छी फॉर्म में यहाँ पर चल रहे हैं, तो चलिए एक बार इनकी बैटिंग चेकआउट कर लेते हैं। शुभम यादव की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में 76 रन बनाए, किनीत पटेल ने यहाँ पर भाई 57 रन बनाए, इसके अलावा 39 रन बनाए, हर गवारिया ने भाई काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट से, अमित पासी भाई इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, लेकिन भाई आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं हर जगह, आप इसे ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में आप इसे कैप्टन कर सकते हो क्योंकि ओपनिंग करेगा और फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो भाई काफी अच्छा खासा स्कोर करके जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी बॉलिंग की तो चलिए बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मल्हार गवारिया भाई यहाँ पर आप देख सकते हो टीम का कैप्टन, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल के गए। विजय अलाई की बात करें तो विकेटलेस रहा। इसके अलावा सचिन झा की बात करें तो 4 ओवर में भाई इसने सिर्फ 30 रन दिया और भाई विकेट। वही अगर बात करें हर्षिल प्रजापति की तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है, 3 ओवर में 2 विकेट निकाले। इसके अलावा श्लोक देसाई की बात करें तो 4 मैच में भाई इन्होंने यहां पर भाई 1 विकेट निकाला, और इसके अलावा शालीन शाह ने भी 1 ओवर डाला लेकिन विकेटलेस रहे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां से ड्रीम इलेवन की टीम की, तो ड्रीम इलेवन की टीम भी मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं, लेकिन अगेन मेरे भाई मैं आपको सिर्फ एक यही एडवाइस दूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम होने वाली है, फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अब बात करते हैं भाई अभी की जो मैं आपको डेमो टीम देने वाला हूं उसकी, तो यहां से अगर बात करें भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में तो यहां से आपके लिए अमित पासी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाला है। इसके अलावा यश रामी का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे तो इसीलिए भाई मतलब इसको मैं ट्राई नहीं कर रहा, जीएल मिनी जीएल में यश रामी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहेगा। यहां से रोहित ठाकुर को आप ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में तो यहां पर आप मलव पटेल के साथ जा सकते हो, बट मैं अभी किनीत पटेल को ट्राई कर रहा हूं। इसके अलावा नीचे की साइड अगर आप आओगे तो एस यादव आपकी टीम में होगा, और यहां से भाई रोहित पटेल को आप ट्राई कर सकते।
सकते हो। तीनों के तीनों बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाले, मिलन मिस्त्री और यहाँ पर सिद्धार्थ देसाई और इसके अलावा एम गेवारिया, तीनों आपके लिए बेहतरीन प्लेयर है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में रोहित ठाकुर का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ से भाई आरिस कटरमल के साथ जा सकते हो, जो वन डाउन या टू डाउन बैटिंग भी करेगा प्लस चार ओवर की बॉलिंग करके विकेट भी लेके देगा। यहाँ पर बात करें तो भाई चिंटल गांधी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई अगर बात करें यहाँ से ऐसे शाह तो आप ट्राई कर सकते हो, एक बार यार इसका पूरा नाम शालीन शाह, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट इनके बॉल मतलब ओवर्स कभी भी कट हो सकते हैं तो इसीलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। और भाई लास्ट मैच में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा जैकपॉट साबित हुआ था। अगर बात करें यहाँ से विजय अलाई की तो लास्ट मैच में चार विकेट लिए थे और भाई बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमारा मैच हो गया था। और इस मैच में भाई मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ड्रॉप करके कोई सेफ ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन मेरे को भाई बॉलिंग सेक्शन में कोई सेफ ऑप्शन दिखा नहीं। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत चांस आप एस पठान को दे सकते हो, इसके अलावा भाई कोई खास ऑप्शन दिख नहीं रहा। सीबीसी की बात करें तो देखो यहाँ से अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना तो आप कैप्टन मिलन गवारिया को और वॉइस कैप्टन भाई आप यहाँ से मिलन मिस्त्री को बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ से भाई आप मतलब कैप्टन देखो जीएल मिनी जीएल के लिए मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए चारों के चारों को अगर आप रिवर्स कर करके 16 टीम बनाते हो तो भाई आप इजिली काफ़ी अच्छी जीएल मिनी जीएल ले लोगे, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई दो प्लेयर ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो आपको 100 प्लस पॉइंट देके जाएंगे। और भाई अगर वो दोनों आपके सीवीसी बन जाते हैं जो कि 100% बन जाएंगे, एक एक प्लेयर को अगर आप रोटेट कर करके सारा काम कर लोगे तो भाई आप इजिली सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो चलिए अब मैं अभी के लिए भाई मतलब बिल्कुल सेफ ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो आप इन दोनों में से भी किसी को सीवीसी रख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर बताया अमित पासी आपके लिए बेहतरीन प्लेयर, अगर आप इसकी जगह सेफ जाना चाहो तो रोहित ठाकुर को ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी यही टीम रहेगी। फाइनल टीम में मैं अगर कुछ भी चेंजमेंट करता हूँ तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और यार अब जाते जाते भी मैं एक ही बात कहूँगा, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो यार चलो कोई नहीं अब कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वीडियो को लाइक तो करो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।